नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 6 था अपना, चैप्टर नंबर 6 नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे थे, नॉर्मल सब ग्रुप में अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा देखी ही थी कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, कि जी कोई ग्रुप है और एन उसका सब ग्रुप है, तो एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है यदि एन जी बराबर जी एन हो। एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है यदि एन जी बराबर जी एन हो। फॉर ऑल जी किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है। कहने का मतलब दोस्तों, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर बराबर होते हैं तो जो एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप का नोटिफिकेशन है। इसके बाद में दोस्तों, अपन ने देखा था कि भाई जो भी अपना ग्रुप है उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप तो हमेशा होते हैं। एक तो जैसे जी अगर ग्रुप है तो एक तो जी स्वयं और एक है वो आइडेंटिटी, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होते हैं। और इनको तो क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इन दोनों के अलावा, अगर इन दोनों के अलावा, देखो ये दो नॉर्मल सब ग्रुप तो हमेशा होते हैं, इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इन दोनों के अलावा तीसरा नॉर्मल सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा नॉर्मल सब ग्रुप पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, उसको बोला जाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद में अपन ने एक डेफिनेशन देखी थी सिंपल ग्रुप की, सिंपल ग्रुप जिसको साधारण ग्रुप या सरल ग्रुप बोला जाता है। एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें नॉर्मल सब ग्रुप जो पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्प्रॉपर हैं, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है? अपना सिंपल ग्रुप। कुछ एग्जांपल भी अपन ने देखे थे कि जो एएन होता है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एसएन का कुछ और भी एग्जांपल थे, डेफिनेशन देख ली थी, एग्जांपल देख लिए थे। इनके अलावा दोस्तों, अपन ने थ्योरम वगैरह अपना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इस लेक्चर में अपन थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं और सारी थ्योरम्स आएंगी इस लेक्चर में, तो ध्यान से पढ़ना और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना है। एक एक थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है, इंक डाल लेते हैं एक बार। एक एक थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं, और नोट्सों के बाद में जो भी श्याम एजुकेशन परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि वो भी फ्री जो ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज हैं श्याम एजुकेशन परिवार की तरफ से चलाई जा रही हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आगे बढ़े। चलो, अपन इंक भी डाल ली है, अब बीच में दिक्कत नहीं आएगी। आज का जो सारा लेक्चर होगा वो थ्योरम्स का ही होगा, 18 होगा इसको। हाँ तो देखना दोस्तों, आप थ्योरम नंबर फर्स्ट बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास चल रही है अपनी, इसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट देख लेता हूँ, देखिए पूरा कवर हो पा रहा है या नहीं। चलो ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है? सिद्ध करो कि ग्रुप
ओ है उसकी जेड डॉट मान लो, सिद्ध करो कि ग्रुप जी डॉट का सब ग्रुप एन, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि ग्रुप जी डॉट का सब ग्रुप एन विशिष्ट होगा, विशिष्ट होगा भाई कोई ग्रुप दिया है जी उसमें संक्रिया डॉट है और उसका कोई सब ग्रुप है एन, वो विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए, के लिए जी इनवर्स एन जी वो किस में होना चाहिए एन में। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरम क्या है कि अपने को दिया है कि एक ग्रुप है जी, उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप एन है, कोई ग्रुप है जी उसका सब ग्रुप है एन, अब वो एन है वो विशिष्ट होगा, एन नॉर्मल होगा यदि और केवल यदि ये, अब यदि और केवल यदि आ रहा है तो एक बार तो जो जी का सब ग्रुप एन है उसको नॉर्मल लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे, फिर दोबारा ये लेके चलेंगे और एन को नॉर्मल सिद्ध करेंगे। तो प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, प्रूफ पार्ट पे अपन चले तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो क्या दिया गया है वो लिख देते हैं, दिया गया है कि, दिया गया है कि जी एक ग्रुप है, दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा, तथा एन इसका, एन इसका सब ग्रुप है। ये दिया है कि भाई जी तो एक ग्रुप है और एन उसका सब ग्रुप है। अब दोस्तों यदि और केवल यदि आ रहा है तो आपको नेसेसरी और सफिशियंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो लिख लेता हूं मैं, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन को बोला जाता है आवश्यक शर्त। नेसेसरी कंडीशन को क्या बोला जाता है? आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त में क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले तो विशिष्ट मान लो और ये सिद्ध कर दो। तो मैं लिखूंगा, माना ये लिख देता हूं, अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही बता दिया कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। ये सिद्ध करना है, मान लो एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाऊंगा, तब, तब नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से, तब नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से बताओ आप क्या बोलोगे, एन जी बराबर जी है, फॉर ऑल जी किसका एलिमेंट है? ग्रुप का। तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लगा दी और इसको डाल दिया दोस्तों इक्वेशन नंबर वन, भाई एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लिखी है और अपने को यह सिद्ध करना है। इतना उतारिए दोस्तों आप, आगे देखना। अब देखो दोस्तों, एन जी जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होता है? एन जी का। भाई आपको पता है कि इसको राइट कोसेट बोला जाता है, वाम सह समुच्चय, तो जी तो फिक्स होता है और ये आगे वाला स्मॉल एन एलिमेंट कौन से सेट का होता है? कैपिटल एन का। एन जी एलिमेंट हो गया कैपिटल एन जी का, ये तो एलिमेंट है और ये क्या है? अपना सहकुलक है, वाम सहकुलक। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एन जी एलिमेंट होगा वो जी एन का भी होगा। क्यों होगा? रीजन,
भाई एन जी एलिमेंट एन जी में है तो ये एन जी एलिमेंट जी एन में भी होगा, क्योंकि इस एन जी की जगह एन जी बराबर कितना होता है, जी एन होता है, इक्वेशन वन। तो स्मॉल एन जी एलिमेंट एन जी में था ना, तो स्मॉल एन जी जी एन में भी आ गया, क्योंकि इस एन जी की जगह मैंने यहां से जी एन रख दिया। ये क्लियर हो गया। अब बताओ एन जी एलिमेंट है वो जी एन में है, तो ये तो क्या है कि ये सेट है कोई ना कोई, और ये एलिमेंट है, तो बताओ ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के तो बराबर है ना ये एलिमेंट। दोबारा सुनना, ये तो एलिमेंट है और ये है सेट मान लो, या कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है, कोसेट होता है वो एक सेट होता है, तो बताओ ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये जो एन जी है ना वो इसके किसी जी एन वन के बराबर है, और जो एन वन एलिमेंट है वो किसका है, एन का। क्यों? क्योंकि जी एन में तो जी एन वन टाइप के एलिमेंट होंगे भाई, जी एन वन, जी एन टू, जी एन थ्री, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें, और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट इसके किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, और मैंने मान लिया किस एलिमेंट के बराबर है, जी एन वन के बराबर है। क्लियर? इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर दो, इसको इक्वेशन नंबर दो। अब देखो दोस्तों, यहां से देखो आप, इसको देखो, जी इनवर्स एन जी क्या है, जी इनवर्स एन जी को कैपिटल एन में बिलोंग करवाना है। देखो जी इनवर्स एन जी, एन जी की जगह जी एन वन लिख दू इक्वेशन टू की सहायता से, एन जी की जगह कितना रख दू जी एन वन, तो ये रख दिया जी एन वन, और सामने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू की सहायता से। ओके, अब साचर्य लगा दू, क्योंकि जी ग्रुप का एलिमेंट है, एन वन है वो एन का एलिमेंट है, लेकिन एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब ये भी ग्रुप में चला गया, साचर्य लगा दिया, साचर्य से जी जी इनवर्स को आइडेंटिटी लिख दिया एन वन, और ये क्या आ गया एन वन। और बताओ एन वन एलिमेंट किसका माना है आपने, एन वन कैपिटल एन का माना है, एन वन एन का माना है, इसलिए आप ये कह सकते हो या नहीं कि जी इनवर्स एन जी किस में आ गया, एन में, जी इनवर्स एन जी को एन वन मान लिया, एन वन कैपिटल एन में बिलोंग करता है, तो जी इनवर्स एन जी किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल एन में। तो बताओ यही तो प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया। अब ये तो अपन ने नेसेसरी कंडीशन बता दी जिसमें एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे, और ये बता दिया। दूसरा केस ये लेके चलेंगे और एन को नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे, तो सफिशियंट कंडीशन। तो दोस्तों आप नेसेसरी कंडीशन को उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सफिशियंट कंडीशन की तरफ। ठीक है, अब अपन दोस्तों सफिशियंट कंडीशन तो ध्यान से समझेंगे, देखना ये तो लेके चलेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा माना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए जी इनवर्स एन जी उसको आपने मान लिया किसमें, एन में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब देखो, जैसे मान लो कि ए एलिमेंट है वो जी का है, आपने ग्रुप का कोई एलिमेंट ए मान लिया, लेकिन ग्रुप के तो हर एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, ग्रुप के तो हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ए एलिमेंट के लिए भी होगी, तो ए एलिमेंट जी का माना, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो या नहीं
कि जी की जगह ए रखेंगे तो ए इनवर्स एन ए, वो किस में आ गया एन। अपने को बताना है दोस्तों विशिष्ट नॉर्मल बताना है, नॉर्मल बताने के लिए लास्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा अपने को एन जी बराबर जी एन, एन जी बराबर जी एन सिद्ध करना है। तो एक बार तो आप एन जी को जी एन का सबसेट बता दो, एक बार तो ये बता दो और एक बार जी एन को एन जी का सबसेट बता दो, ये दोनों बता दो, तो फिर इन दोनों केसेज की सहायता से अपना ये प्रूव हो जाएगा, सही है ना। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखना यहां से एन जी कोई एलिमेंट है, इसका एलिमेंट लेके चल रहा हूं, एन जी कोई एलिमेंट है एन जी का, ठीक है। अच्छा यहां एन ए मान लो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ए एलिमेंट की सहायता से कर लो या जी एलिमेंट की सहायता से कर लो। जैसे एन ए कोई एलिमेंट है, एन ए कोई एलिमेंट है कैपिटल एन ए का, राइट। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं कि जैसे एन ए है, एन ए को यहां ए ए इनवर्स से गुणा कर दो, किसको एन ए को, ये जो एन ए था ना उसको आगे ए इनवर्स से गुणा कर दिया, ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी से गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बताओ ये एलिमेंट पहले एन ए में था तो अभी भी किस में बिलोंग कर रहा है, एन ए में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो ये क्या बना, या फिर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि मान लिया एन ए कोई एलिमेंट है एन ए का, एन ए कोई एलिमेंट है किसका एन ए का, ये जो एन ए है उसको मैंने ये लिखा ए ए इनवर्स एन ए। बताओ इस एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा कि ये करने से, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस ए को तो बाहर निकाला और इसको लिख दिया ए इनवर्स एन ए, कर सकता हूं बिल्कुल। और दोस्तों ये जो बना ए इनवर्स एन ए, ये ए इनवर्स एन ए किस में है एन में है, ऊपर से देखो ए इनवर्स एन ए किस में है एन में है, तो ये कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है कैपिटल एन के किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, मैंने एन वन के बराबर मान लिया, तो इस पूरे को क्या लिख दिया एन वन लिख दिया। क्या देखो दोबारा सुनना, ए इनवर्स एन ए, ए इनवर्स एन ए कैपिटल एन में है, कैपिटल एन में है, तो बताओ ये कैपिटल एन के किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, और मैंने मान लिया किस एलिमेंट के बराबर है एन वन के बराबर है। इसका मान जैसे यहां किया था ना, देखो ये इसमें बिलोंग कर रहा था, इसके एक एलिमेंट के बराबर था, तो इसका मान एन वन रख दिया। अब देखो दोस्तों ए तो फिक्स है और एन वन किस में बिलोंग कर रहा है, एन वन किस में बिलोंग किया है एन में, तो आपने आपने जो एन ए एलिमेंट था ना दोस्तों, एन ए एलिमेंट लिया था, एन ए का लिया था, और आपने एन ए एलिमेंट को, एन ए एलिमेंट को किस में दिखा दिया, इसको भाई ये इसके बराबर है, तो इसको किस में दिखा दिया आपने एन में दिखा दिया। एन ए का तो एलिमेंट लिया, मतलब जैसे इसको ए सेट मान लो और इसको बी सेट मान लो, ए सेट का एलिमेंट लिया और बी सेट में दिखाया, तो जैसे इस सेट का ये एन ए एक एलिमेंट है वो इसमें है ना, वैसे इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें हो जाएगा। तो बताओ मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं कि एन ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है एन में है, और इसको डाल दिया इक्वेशन एक दो, इसको डाल दो जैसे तीन और इसको डाल दो चार, इतना उतारो। तो वही बात है, चाहे एन ए बराबर ए एन सिद्ध करो या एन जी बराबर जी एन, तो एक बार तो आपने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखा दो, फिर अपनी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो दोस्तों इतना उतारिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी अपनी ये,
तो इसका एलिमेंट लेके चला था, इसमें दिखा दिया, अब इसका एलिमेंट लेके चलूंगा और इसमें दिखाऊंगा, राइट। तो इधर से मैं थोड़ा हटा देता हूं इसको, अब देखना दोस्तों, मान लेता हूं मैं कि भाई बी कोई एलिमेंट है, बी है जी का कोई एलिमेंट है, सच दैट बी इस प्रकार है कि बी बराबर ए इनवर्स। अब सुनना, बी कोई ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप का एलिमेंट ऐसे है कि ए इनवर्स। अरे जैसे ए एलिमेंट ग्रुप का है तो बताओ, ए एलिमेंट ग्रुप का है तो ए एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप में होगा, और ए एलिमेंट का इनवर्स बी के बराबर मान लिया तो बी भी किस में होगा, ग्रुप में। अब जैसे ए एलिमेंट ग्रुप का है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो बी एलिमेंट भी ग्रुप का इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो ये तो मान के चला है ना कि भाई ग्रुप का तो प्रत्येक एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो मैं बोलूंगा कि बी एलिमेंट ग्रुप का है तो बताओ बी इनवर्स एन बी होगा, वो किसका होगा, इस कंडीशन को फॉलो करवा रहा हूं तो किसका हो जाएगा, ये एन का हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्शन। अब देखो, यहां से ग्रुप का हर एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे ए एलिमेंट ग्रुप का इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था, वैसे ही बी एलिमेंट ग्रुप का है तो वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर गया। अब आप बी की जगह ए इनवर्स रख दो, यहां बी की जगह ए इनवर्स रख दो, तो रख दिया एन और बी की जगह, इस बी की जगह ए इनवर्स रखा तो यहां भी ए इनवर्स, और ये किस में बिलोंग कर गया दोस्तों, एन में बिलोंग कर गया। ऐसा करने से, अच्छा बी बराबर ए इनवर्स करने का फायदा क्या है, फायदा आप दिखेगा, देखो ए इनवर्स का इनवर्स ए, एन ए इनवर्स, ये किस में बिलोंग कर गया, एन में, राइट। अब देखना इस चीज का आगे यूज होगा, इस कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिया, आगे यूज कहां होगा, आप इसका एक एलिमेंट मान के चलोगे, इसमें दिखाओगे ना, तो देखो इसका एलिमेंट मानो, जैसे ए एन आपने एलिमेंट माना किसका, ए कैपिटल एन का, भाई ए कैपिटल एन में ए स्मॉल एन टाइप एलिमेंट होंगे ना, ए कैपिटल एन में ए स्मॉल एन टाइप, तो इसका एक एलिमेंट मान लिया, वो इसमें दिखाना है। अब देखो, देन अब ये जो ए एन एलिमेंट है, बताओ इस ए एन को मैं ये लिख सकता हूं, यानी ए एन ए इनवर्स ए, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये बना ए एन और ए इनवर्स, इसको तो एक जगह ले लिया और ये ए बन गया, ओके। अब बताओ दोस्तों, जब ये आगे वाला एलिमेंट, जब ये एलिमेंट वो कैपिटल एन में है और पीछे ए फिक्स है, तो पूरा का पूरा किस में बिलोंग किया, एन ए में, तो बताओ ये काम में आया ये नहीं आया, इस कारण अपन ने पहले ही निकाल लिया था इस चीज को, क्या कि यहां से ए एन को ए ए इनवर्स किया तो ए एन ए इनवर्स, और ये पूरा का पूरा एन में बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट ए का, तो बताओ जो ए एन था ए एन के बराबर ये था और ये एन ए में बिलोंग कर गया, तो ए एन भी किस में बिलोंग कर गया, एन ए में। अब देखो, आपने ए एन जो एलिमेंट था वो ए एन का एलिमेंट लेके चले थे, ए एन को ए कैपिटल एन का लेके चले थे, और यहां से आपने ए एन को एन ए में सिद्ध कर दिया, एन ए में सिद्ध कर दिया। तो आप ये बोलोगे या नहीं बोलोगे कि जो ए एन है वो किसका सबसेट है, एन ए का सबसेट है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाले थे ना, तो इसको आप डाल दे रहे इक्वेशन नंबर 5, और आप बोलोगे देन बाई इक्वेशन नंबर 4 और 5 एन ए बराबर ए एन, फोर ऑल ए एलिमेंट किसका है, ग्रुप का, तो बताओ ये किसकी परिभाषा है नॉर्मल सब ग्रुप की, तो आप बोल दोगे एन नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, जी का है, ओके फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान थ्योरम थी ये, जिसके अंदर सबसे पहले तो भाई नॉर्मल सब ग्रुप लेके चला था, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लेके चला था, तो ये प्रूव कर दिया था, फिर दोबारा ये लेके चला है, और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए एन ए बराबर ए एन सिद्ध करना था, तो एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब यहाँ से जैसे जी एलिमेंट ग्रुप का तो हर एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ए एलिमेंट भी फॉलो करेगा, तो उसके लिए लिख दिया। अब एन ए का एक एलिमेंट मान के चले और ए एन में दिखा दिया, यहाँ से फिर दोबारा ए एन का एलिमेंट लेके चलेंगे और एन ए में दिखा देंगे, इस कंडीशन का यूज होगा तो उस कंडीशन को अलग से ऊपर लिख दिया। तो अपन ने इस प्रकार से ये थ्योरम की है, पहली थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको करना, समझना, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिस्टार्ट करके देखना,
और वीडियो को लाइक करना, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब अपन सेकंड थ्योरम करेंगे दोस्तों, इसको उतारिए आप। ओके, चलो ये पहली थ्योरम हो गई है। अब थ्योरम नंबर सेकंड, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है भाई आपको। थ्योरम सेकंड, स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है? कि आबेली ग्रुप का, आबेली मतलब क्रम विनिमय, आबेली बोले तो क्रम विनिमय, आबेली ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप, आबेली ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप विशिष्ट होता है, आबेली ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप विशिष्ट होता है। भाई अगर अपना ग्रुप अबेलियन ग्रुप है ना, अबेलियन ग्रुप क्या होता है? क्रम विनिमय ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, जिसमें एलिमेंट कम्यूट करते हैं, उस कम्यूटेटिव ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है सीधा ही। तो कोई भी अबेली ग्रुप दिया तो बताओ उसका सब ग्रुप कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना है। अब इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। आसान कैसे है? भाई आप एक आबेली ग्रुप लेके चलोगे और उसका सब ग्रुप लेके चलोगे, तो माना कि कैपिटल जी एक आबेली ग्रुप है, माना कि कैपिटल जी एक आबेली ग्रुप है तथा एन इसका सब ग्रुप है। मान लो कि कैपिटल जी दोस्तों एक आबेली ग्रुप है और एन इसका सब ग्रुप है, देन तब हमें सिद्ध करना है कि हमें तो बताओ ये जो सब ग्रुप आया है उसको विशिष्ट बताना है, तब हमें सिद्ध करना है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? जी का। भाई विशिष्ट बताना था तो ये विशिष्ट का नोटिफिकेशन होता है, तो अपने को ये सिद्ध करना है। ओके, अब देखो तो विशिष्ट की जो पहली परिभाषा थी वो वाला सिद्ध कर देते हैं। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी तथा एन को एक कैपिटल एन का एलिमेंट ले लेता हूं, भाई ग्रुप का एक एलिमेंट जी और एन बिलोंग्स टू एन के लिए क्या परिभाषा थी अपनी? जी एन जी इनवर्स था ना। अपनी परिभाषा में क्या था? जी एन, पहली परिभाषा देखना आप, दो परिभाषा लिखाया था उसमें, एक तो ये था जी एन जी इनवर्स एन में होता है, और दूसरी जो अपनी थी ये तो दूसरी थी, और पहली थी एन जी बराबर जी एन, दो परिभाषा लिखाई थी अपने दोस्तों। तो इसको हटा देता हूं मैं, तो देखना जी एन जी इनवर्स, भाई यहां ग्रुप का एलिमेंट आता है और यहां एलिमेंट आता है उसका इनवर्स यहां होता है, और बीच वाला एलिमेंट कैपिटल एन का होना चाहिए। इसको कैपिटल एन में सिद्ध करना है, अगर इसको कैपिटल एन में सिद्ध कर दिया तो एन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक चीज देखो आप, इसको जी एन जी इनवर्स, अब देखो जी एन बराबर एन जी होगा, क्यों होगा? रीजन, बिकॉज जी एलिमेंट है ग्रुप का और एन एलिमेंट है वो एन का, और एन किसका सबसेट है? ग्रुप का। अरे भाई सब ग्रुप है, सब ग्रुप था तो पहले सबसेट हुआ तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी एलिमेंट तो ग्रुप का और एन सब ग्रुप था, सब ग्रुप बनने से पहले सबसेट था, तो ये एक्चुअल में एन एलिमेंट भी है वो किसका है? जी का।
और जी का एलिमेंट है, और जी अपना ग्रुप है वो आबेली ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो बताओ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब जी एन बराबर कितना हो गया? एन जी। तो ये जो जी एन है उसकी जगह लिख दिया मैंने एन जी और जी इनवर्स। रीजन लिख देना सामने, जी कैपिटल जी इज एन अबेलियन ग्रुप, कैपिटल जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ये रीजन हो गया। अब देखो इस एन को बार बताओ, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, और ग्रुप में साहचर्य लगता है, साहचर्य लगता है, तो इन दोनों को एक जगह ले लिया जी जी इनवर्स को। और जी जी इनवर्स कितना होता है? एन इंटू आइडेंटिटी होता है, बताओ कितना आ गया? एन। और एन किसका एलिमेंट था? कैपिटल एन का, तो ये आ गया एन। तो आप बोल सकते हो या नहीं, इसलिए जी एन जी इनवर्स आपने किस में बता दिया? एन में। भाई इसको सिद्ध करके एन में बता दिया, तो जी एन जी इनवर्स एन में है। तो दोस्तों जो नॉर्मल सब ग्रुप था उसकी परिभाषा से आप बोल सकते हो एन नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का, क्योंकि ये जी एलिमेंट किसका लिया था? ग्रुप का, तो एन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप का। ये अपनी थ्योरम नंबर 2 थी, बहुत ही आसान थ्योरम अपन ने की है। भाई अबेली था, याद रखना अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, क्योंकि कंडीशन में जी एन की जगह एन जी लिख दिया जाता है, और ये एन बिलोंग्स टू एन है, तो जी एन जी इनवर्स एन में आ गया। तो अपनी ये थ्योरम में प्रूफ हो गई। इस प्रकार से अपनी ये सेकेंड थ्योरम अपन ने की है, जो बहुत आसान थ्योरम थी। अब दोस्तों इस थ्योरम के साथ में, इसके साथ में एक कोरोलरी भी जुड़ी हुई है। कोरोलरी किसको बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं उपप्रमेय को। उपप्रमेय मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसका कोरोलरी। कोरोलरी क्या लिखोगे कोरोलरी में? भाई थ्योरम क्या है? चक्रीय ग्रुप का, चक्रीय ग्रुप का, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप भी नॉर्मल होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप भी नॉर्मल होता है। अगर आप कोई चक्रीय ग्रुप ले रहे हो तो उस चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका प्रूफ पार्ट अगर अपन करेंगे दोस्तों, तो प्रूफ पार्ट में देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं ये लिख सकता हूं कि ये थ्योरम तो अपनी बोल रही थी कि भाई अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, और ये थ्योरम बोल रही है कि भाई चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो मैं ये बोलूंगा क्या कि प्रत्येक प्रत्येक चक्रीय ग्रुप है, बताओ क्या होता है? एवरी साइक्लिक ग्रुप है अबेलियन होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है या क्रम विनिमय होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। सबसे पहली बात दोस्तों अपन ने थ्योरम को सिद्ध किया कि अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, और आपने प्रूफ में लिखा कि भाई चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। जब आपने बता दिया आबेली ग्रुप होता है, तो बताओ फिर इस प्रूफ को यहां चिपका सकते हो या नहीं? पूरे का पूरा प्रूफ भाई आबेली होता है। अब ये थ्योरम थी वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो गई, भाई ये आबेली की बात कर रहा है, ये चक्रीय की बात कर रहा है, लेकिन मैंने बता दिया जो चक्रीय होता है वो आबेली होता है, और आबेली का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो इसका भी नॉर्मल हो गया। इसके बाद में यहां पे मैं लिख दूंगा कि अब इसे थ्योरम 2 से करेंगे, थ्योरम 2 से करेंगे, मतलब थ्योरम 2 का जो भी ये प्रूफ है ना वो यहां चिपका देंगे अगर ऐसा आता है। बिल्कुल सही बात है ना भाई, चक्रीय ग्रुप का बताना था कि प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो मैंने बता दिया चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, और जब आबेली होता है तो ये थ्योरम है इसमें कन्वर्ट हो गई ये कोरोलरी, और इसके अंदर पूरा किया है, तो आप इसको यहां से कर देंगे। इस प्रकार से अपन ने ये लेक्चर कर लिया है, इस लेक्चर को बस इतना ही करेंगे, अब 3rd 4th 5th अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद, आप वीडियो को लाइक करना।